मैं ना कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही लिपस्टिक लगा के कोई शो करने वाला हूँ। आज मैं ना आप लोगों को एक बीमारी के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनना और वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोगों को ये बीमारी के बारे में बहुत कुछ पता लगने वाला है और आप लोग जानते भी नहीं है ये बीमारी कितना खतरनाक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप लोगों को हाइड्रोफोबिया, एक्वाफोबिया और वाटर फोबिया के बारे में पता है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट में जल्दी बताइए। देखते हैं कितने लोगों को पता है ये बीमारी के बारे में। ये बीमारी ना कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ जैसे पशुओं के लिए ये बीमारी उनको इस हालत में होता है जब वो पानी से डरते हैं। देखिए, गौर कीजिएगा, कभी कभी आप लोग अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली को नहाने के लिए ले जाए और वो पानी से डरे तो आप समझ जाइएगा कि इसे वही हाइड्रोफोबिया बीमारी की लत लग चुकी है। आप क्या सोच रहे हैं? अगर कोई इंसान को यह बीमारी लग जाए तो आप और मैं भी नहीं, हर कोई इंसान पानी पीने से या पानी को देख के ही डर जाएंगे। ये बीमारी छोटे बड़े बुजुर्ग हर किसी को हो सकता है। ध्यान दीजिए, अगर आपके घर में कोई कुत्ता या बिल्ली आप पाल रहे हो, अगर कोई कुत्ता या बिल्ली आपको काटे या उनका नाखून आपके शरीर में स्क्रैच आ जाए, जल्दी से डॉक्टर के पास जाए और खुद का अच्छे से इलाज करे, नहीं तो आपको भी हो सकता है हाइड्रोफोबिया जैसी बीमारी। इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग कुत्ते बिल्लियों का शौकीन होते हैं। देखिएगा, गौर कीजिएगा, अगर आपके कुत्ते, आपके पालतू जानवर को ऐसा लक्षण दिखे तो जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाइएगा और अच्छे से इलाज कीजिएगा, नहीं तो ये बीमारी आपके घर के हर किसी सदस्य को हो सकता है। ये वायरस को रेबीज वायरस कहा जाता है। ये वायरस एक खतरनाक वायरस है। इस वायरस में, इस बीमारी में हर साल हर देश में बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस बातों को नजरअंदाज मत कीजिएगा, मुझे अपना मानकर इस बातों को फॉलो कीजिए, नहीं तो आपको भी एक दिन भुगतना पड़ेगा ऐसी बीमारी। थोड़ा सोच के देखिए, अगर आपको ये बीमारी हो जाए और आप पानी पीने की चाह में हैं, लेकिन पानी को देख के आप डर रहे हैं, आपको पानी पीने का बहुत इच्छा है लेकिन आप पानी पीने के लिए सक्षम नहीं है, आप पानी पीने जा रहे हैं लेकिन आप पानी को हाथ भी लगा नहीं पा रहे, तो सोचिए क्या हालत हो जाएगा आपकी जिंदगी। तो प्लीज आपसे ही सचेतन हो जाए और खुद को अच्छा रखें। आप अगर अच्छा रहेंगे तो आपके परिवार के साथ साथ दुनिया भी अच्छा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।